हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा लव्स कुकिंग। आज हम बनाएंगे चंद्रकला गुजिया। ये एक स्पेशल टाइप की गुजिया है जो देखने में और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, तो इस त्योहार के सीजन में आप इसको जरूर बनाइए। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चंद्रकला बनाने के लिए यहाँ पे हम 1 कप मैदा लेंगे और इसमें 1/4 कप से थोड़ा सा कम यानी कि 3 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे। घी को हमने मेल्ट करके लिया है और इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यदि आप इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं इसका लड्डू जैसा बनने लगा है। इतना ही घी हमें इसमें डालना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त सा आटा तैयार करेंगे। हम जैसे पूड़ी का आटा लगाते हैं उससे भी थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है। ये मैंने यहाँ पे एक टाइट आटा लगा लिया है, आप देख सकते हैं ये टाइट डो है। पूड़ी का जो डो रहता है उससे भी थोड़ा सा टाइट है। ये आटा लगाने में मुझे 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम पानी लगा है, तो आप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें और टाइट सा डो तैयार कर लें। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं एक पैन में 1 टीस्पून जितना घी डालूंगी और इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं काजू ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच बादाम, आप अपनी चॉइस के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और इनको अच्छे से भून लीजिए। आप इसमें किशमिश, पिस्ता, जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा, इसको भी हम डाल देंगे और इसको ज़रा सी देर के लिए हमें लो फ्लेम पे भूनना है। इसके बाद यहाँ पे मैं 1/2 कप घर का बना हुआ मावा ले रही हूँ। ये मैंने घर पे बना के तैयार किया है मावा, और इसको भी अगेन हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे। क्योंकि मैंने इसको घर पे बनाया है इसलिए इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बाज़ार का मावा यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा पिंक कलर आने तक भून लीजिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे जब तक हम अपना शुगर सिरप बनाते हैं, जिसके लिए 1 कप शक्कर लेंगे और इसमें 1/4 कप जितना पानी डालेंगे। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून पानी मैं और डाल रही हूँ, मतलब 1/4 कप और 2 टेबलस्पून, और इसको मिक्स करके शक्कर को डिज़ोल्व होने तक पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं शक्कर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, चाशनी में उबाल भी आने लगा है। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हम 2 इलायची डालेंगे और इसके साथ ही थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे। इसका हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस एक स्टिकी सा चिपचिपा टाइप का शुगर सिरप तैयार करना है। या आप देख सकते हैं इसमें तार नहीं बन रहे हैं, ये स्टिकी शुगर सिरप है बस। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है तो इसमें हम शक्कर डालेंगे। यहाँ पे मैं 1/4 कप शक्कर डाल रही हूँ, साथ में थोड़ी सी कुटी हुई इलायची डाल रही हूँ। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पर शक्कर आप तभी डालें जब मावा जो है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। हमारी स्टफिंग बनके तैयार है, अब हम अपनी चंद्रकला गुजिया बनाएंगे। डो को भी रखे हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें से 1/2 पेड़ा काटेंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। डो को कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये ऊपर से ड्राई हो जाता है। अब जो हमने 1/2 पेड़ा लिया है उसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे और उसमें से छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेंगे। अब हम 1 लोई को लेके अच्छे से स्मूथ करेंगे और इसको हम बेलेंगे। हमें इसको पतला बेलना है, मतलब हम रोटी या पूड़ी बनाते हैं उससे भी थोड़ा पतला बेलना है इसको। इसको बेलने के बाद कोई भी कुकी कटर या कोई भी ढक्कन लेके इसकी एक छोटी सी पूड़ी कट कर लेंगे और बाकी का जो बचा हुआ है उसको हम वापस रख देंगे। आप देख सकते हैं हमें इसी थिकनेस की पूड़ियाँ बनानी हैं, तो इसी तरह से हम और भी बना लेंगे। बाकी जो आटा बचेगा आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं पूड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं, अब मैं इसकी स्टफिंग करूँगी। स्टफिंग करने के लिए हम 1 चम्मच स्टफिंग इसमें भरेंगे। स्टफिंग आप जितनी ज़्यादा भरें उतना अच्छा टेस्ट होता है, बट इतनी भी ज़्यादा ना भर दें कि वो बाहर निकलने लगे। तो पूड़ी के साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमें स्टफिंग करनी है। यदि छोटी पूड़ी है तो थोड़ा सा कम भरें, और थोड़ी बड़ी पूड़ी है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा भर सकते हैं। फिर इसके चारों तरफ हम पानी लगा देंगे। आप फिंगर की हेल्प से पूड़ी के चारों तरफ अच्छे से पानी लगाइएगा और उसके बाद दूसरी पूड़ी लेके उसके ऊपर कवर कर दीजिएगा और इसको थंब से प्रेस करते हुए अच्छे से सील कर लीजिएगा। इसको घुमा घुमा के आप चारों तरफ से अच्छे से सील कर लें। सील करना बहुत ज़रूरी है, यदि गुजिया अच्छे से सील नहीं होगी तो तलते समय वहाँ से स्टफिंग बाहर आ सकती है।
आप देख सकते हैं चारों तरफ से मैंने इसको अच्छे से सील कर लिया है। अब हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए हम थंब का यूज़ करेंगे। हमें राइट हैंड के थंब से इसको प्रेस करना है और फोल्ड करते जाना है, प्रेस करना है और फोल्ड करते जाना है। इसी तरह आप प्रेस करिए देन फोल्ड करिए, बहुत ही आसान है। आप एक या दो गुजिया बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से करना आ जाएगा। प्रेस करके फोल्ड करना है, प्रेस करके फोल्ड करना है। इसी तरह से आप पूरा पैटर्न इसका बना लीजिएगा। प्रेस एंड फोल्ड, प्रेस एंड फोल्ड। इसके बाद आप इसको चारों तरफ से हाथ से भी स्मूथ कर सकते हैं। तो हमारी चंद्रकुला गुजिया बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी की गुजिया भी तैयार कर लेंगे। मैं एक और करके आपको दिखाती हूँ। आप इसमें पहले भी पानी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप पहले चारों तरफ पानी अप्लाई कर लीजिए पूरी में और उसके बाद उसमें स्टफिंग करिएगा। सिमिलरली दूसरी पूरी से इसको कवर करके हम सील कर लेंगे और इसके बाद प्रेस और फोल्ड करके इसको चारों तरफ से पैक कर लेंगे। तो लीजिए बाकी की गुजिया भी हम इसी तरह बना लेंगे। यहाँ पे मैंने बाकी की गुजिया भी बना के तैयार कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, जो ये स्टफिंग बची है इसको आप एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक हम इसको कवर करके रखेंगे ताकि इसके ऊपर से पपड़ी ना जमे और ये ड्राई ना हो। आप देख सकते हैं हमारा घी जो है वो गर्म हो गया है। आप इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, बट घी में मिठाइयों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। हमें घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म हो उसी पे हमें इसमें चंद्रकला डाल देनी है और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। इसको हाई फ्लेम पे नहीं सेकते हैं। जब एक तरफ से ये हल्का सा सिक जाए तो इसको फ्लिप करना है और फ्लिप करके दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। अब देख सकते हैं इस पर बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आने लगा है। हमें इसको अच्छे से सुनहरा कलर आने तक और क्रिस्प होने तक सेकना है। देख सकते हैं कितनी अच्छी गुजिया दिख रही हैं, बहुत ही अच्छी। अब इसको हम एक प्लेट में रिमूव कर लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है, दिखने में भी बहुत ही अच्छी दिख रही हैं। इसी तरह से हम बाकी की बची हुई गुजिया भी इसमें फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। लीजिए हमारी ये वाली गुजिया भी अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इसको चाशनी में डालेंगे। चाशनी में डालते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि चाशनी जो है वो थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बट थोड़ी गुनगुनी चाशनी चाहिए इसके लिए। और इसको एक स्पून की हेल्प से आप फ्लिप कर दीजिएगा और चाशनी में हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए डाल के रखना है। 1 से 2 मिनट बाद आप इसको एक प्लेट पे रिमूव कर सकते हैं। आप बहुत देर इसको चाशनी में मत डालिए वरना गुजिया जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। इसको हम एक प्लेट में रिमूव कर लेंगे तो हमारी चंद्रकला गुजिया बनके तैयार है। देख सकते हैं कितनी अच्छी चंद्रकला गुजिया बनके हमने तैयार की है। अब इसको हम गार्निश करेंगे। मैं यहाँ पे पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।